नैनीताल नगर पालिका और जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने आज अपनी पूर्ण घोषणा के अनुरूप नगर के बारापत्थर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और भवन निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि बारापत्थर घोड़ा स्टैंड के समीप वन भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सहित वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बीच विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि प्रशासन व अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नगर में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसमें कार्यवाही करे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुछ दिन पहले माल रोड व बालापत्थर के निरीक्षण के दौरान वहां पर वन भूमि में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इस अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की घोषणा की थी। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों द्वारा उसे नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर चलाकर लगभग 3 दर्जन अवैध रूप से कच्चे पक्के बनाए गए झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सीओ संदीप नेगी, नगर पालिका प्राधिकरण, वन विभाग कर्मचारी व पुलिस बल तैनात रहा।